कितने लोगों को याद है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सोच रहे हो ना बिग बॉस के टॉपिक में ये कहाँ से घुस रहा है। उसमें गाने का एक लाइन आता है, पहले पता है ना अर्ली 2000 में हर जितने भी सीरीज होते थे उसकी शुरुआत में, ब्रेक के बाद भी, शुरू में भी, हर बार गाना आता था, उसके बाद से शुरू होता था सीरीज। तो उसमें गाने का जो है ना दो लाइन मेरे दिमाग में फिट हो गया और वो लाइन यहाँ पे आके सेट हो गया। गाने का लाइन ये था, क्योंकि सास भी कभी बहुती में से, कि रिश्ते के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। भाई बिग बॉस के घर में यही हो रहा है, 5 लोग बचे हुए हैं, 4 दिन है हाथ में, 4 भी नहीं, अब सिर्फ 1 या 2 दिन है, और उसके बाद से जो भी बदलते रिश्ते वो दिखे जा रहे हैं, मतलब कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे। काश ये दोगला वाला गेम का अगर कोई टास्क होता ना, कि ये टास्क है कि बताओ इस घर में सबसे बड़ा दोगला कौन है, तो भाई वो पूजा भट्ट के ऊपर में जाता था, जो कि लिटरली देखा जाए तो भाई साहब ने एक्सपोज मार दिया है कि ये वही पूजा भट्ट है जिसने मुझे बार बार कहा था कि अभिषेक यू आर द बेस्ट कंटेस्टेंट इन द हाउस, तुम जो भी करते हो सही किया, एंड यू डिजर्व टू विन दिस शो। ये सच में पूजा भट्ट ने कहा था, पूरी ऑडियंस देख रही है। और ये वही बंदी है जो अभी हवा को बदलते हुए देख करके अभी वो एलविश यादव की तरफ में घूम रही है। देखो बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ यूट्यूब कम्युनिटी, समझ लो जो फॉलो कर रहे हैं लोग यूट्यूब को ज्यादा पसंद करते हैं, या जो लोग यूट्यूब में क्रिएटर है जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता दोनों में से किसके पास जाए। मनीषा के पास भी जाएगा तो भी यही रहेगा कि अपनी सोशल मीडिया जो कम्युनिटी है उसके पास गई है, तो सोशल मीडिया, उसके बाद से आता है शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर, उसके बाद आता है यूट्यूब, और यूट्यूब जो है पूरे इन्हीं सभी चीजों के ऊपर में टिका हुआ है। अगर ये लोग नहीं होते तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने फेमस नहीं होते, भले से वो कैरी मिनाटी हो या फिर आज के डेट में फुकरा इंसान हो, कोई भी हो, कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि हम क्रिंज चीजों को रोस्ट कर करके, क्रिंज चीजों के बारे में बात कर करके हम अपने आप को फेमस किए हैं। तो किसी के पास भी जाए तो ट्रॉफी अपने घर में ही आ रहा है, जैसे कि फुकरा इंसान का भाई भी कह रहा है ट्रिगर इंसान, तो सही है ये चीज, लेकिन उसके बावजूद कह रहा हूँ घर के अंदर में जो दोगला बंदी चल रहा है। इसके अलावा एक बंदी से अब मैं रियली फेडअप हो चुका हूँ, वो है मनीषा रानी। इनका अभी ऐसा चल रहा है कि जाते जाते कुछ नहीं तो एक लौंडा ही हाथ मार के ले जाए, भागते चोर की लंगोटी सही, भले से हमें ट्रॉफी ना मिले, ट्रॉफी जीतने वाला तो मिल जाए। बहन जी थोड़ा सा तो भाई अपनी इज्जत को रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन क्यों किए जा रहे हो। एंड बेबी का जो का पार्ट आ रहा है ना, वो पार्ट ये है कि वो शो जीतने पे आ चुकी है बॉस, नेवर नो, नोबडी नोज दैट, कि ऐसा भी हो सकता है कि सलमान खान जो है लास्ट 2 रनर अप में उसको भी लेके खड़ा है और अचानक से बेबिका का उठा दिया, हो सकता है ना, अभी भी ये नहीं हुआ है पर हो सकता है ऐसा। पर इस स्टेज में भी पहुंचने के बाद देखो ना मैम, उनके फॉलोवर्स है तो लोग ऐसा कहेंगे क्या, मतलब फॉलोवर्स की वजह से इतना कुछ कर सकते हैं क्या। और वहां पे पूजा भट्ट ने देखा भाई अब अगर मैंने कुछ ज्यादा इसका साइड लिया तो लोग मेरे को छींची थूथू करना शुरू कर देंगे, और अभी घर से निकलने से बहुत करीब हूँ, लोगों को याद रह जाएगा। देखो पूरे पिक्चर में क्या हुआ ना, लोग वो याद नहीं रखते, क्लाइमेक्स कैसा हुआ ना, लोग वो लेकर के थिएटर से बाहर जाते हैं। तो ये मैडम का अभी निकलने का टाइम है, कुछ ऐसे ही गेम हो गया अभी इनके लिए कि अभी निकलने का टाइम है, अभी बोलो सब अच्छे, सब अपने हिसाब से बिना रहे, अरे ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, बीच में ये भी चल रहा था कि इसका दिल बड़ा है इसका दिल छोटा है, अरे यार कोई कंटेंडर है वो बोल रहा है क्या बुरा है, अगर मैं हूँ और मैं बोल रहा हूँ मैं लड़का हूँ, अब लड़का हूँ तो क्या लड़का हूँ नहीं बोलूंगा, तो वो बंदा अगर डिजर्वेबल है तो डिजर्व कर रहा है तो करने दो ना भाई। पर उस चीज को मैनिपुलेट करके ऑडियंस के दिमाग में ये डालना, खुद से ही बोल दे रहा है कि सेल्फ प्रोक्लेम बंदा है कि ये विनर है, उसने कभी भी नहीं कहा मैं विनर हूँ, उसने कहा मैं विनर बनने का डिजर्व करता हूँ, मैं विनर बन सकता हूँ, और मैं इस घर में सबसे ज्यादा खुद को मानता हूँ कि मुझे विनर होना चाहिए। एल्विश यादव वो बंदा अभी भी पूरा खेल रहा है, कभी बेबिका के साथ, कभी मनीषा के साथ, और अभिषेक के साथ में थोड़ा सा भी देख रहा है, घर के अंदर में कुछ नहीं है, थोड़ा तो मसाला मिले, थोड़ा नाराज हो गया बंदा, थोड़ा कुछ हो गया, इस तरह से चल रहा है। सो नाउ द टाइम इज के अभी 5 बचा है, टॉप 3 कौन है, और जब सलमान के पास स्टेज में पहुंचने वाले होंगे तो सिर्फ 2 जन होने वाले हैं, वो पहले 3 कौन होने वाले जो घर से निकलेंगे, मेरे हिसाब से है वो 2 फीमेल में आती है बेबिका और मनीषा रानी, इनका सब कुछ एंड हो चुका है। जैसे कि जिया शंकर कह रही थी काफ़ी 3 हफ्ते पहले कह रही थी इनका सब खत्म हो गया, उस वक्त नहीं खत्म हुआ था, अब खत्म हो चुका है, बेबिका के पास अभी कुछ है ही नहीं है, वो अभी भी नाराज़ है मेरे साथ गलत हुआ है, इन दोनों को घर से बाहर होना चाहिए। 3 बचते हैं, एल्विश, पूजा एंड फुकरानसन मीन्स अभिषेक मलान, ये तीनों बाहर आएंगे, और मेरे हिसाब से मतलब ऑडियंस तो चाहती है कि सलमान खान के हाथ में दोनों यूट्यूबर हो, एक तरफ अभिषेक दूसरी तरफ एल्विश, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, एक तरफ में पूजा होगी और एक तरफ में एल्विश या फिर अभिषेक में से कोई एक होगा जिसको बोला जाएगा कि बिग बॉस चाहते हैं कि आप अभी इसी वक्त घर से बाहर आएँ,
और लाइट ऑफ करते हुए सीधा स्टेज पे पहुंचे। कुछ ये होता है हर साल, वैसे ही होने वाला और वो दो इंसान होने वाला है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कौन है जो पहला दो बाहर होगा, टॉप थ्री में कौन है और टॉप टू पे कौन है, कमेंट करके जरूर बताना। सो इट्स द एंड ऑफ द सीजन एंड ये एंड करना बनता था वरना और एक्सटेंड करते, क्योंकि सितंबर से बड़े स्क्रीन वाला मतलब टीवी पे जो आता है वो बिग बॉस शुरू होने जा रहा है। सो उनकी मजबूरी है भाई, और क्या पता इनमें से कुछ लोगों को उठा करके फिर से डाल देंगे। लाइक प्रतीक को OTT से उठा करके बड़े बिग बॉस में डाल दिया था, मजा दुगना हो गया था। नेहा को भी डाला था, यहाँ पे भी शायद हो सकता है। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो फुकरा इंसान हो सकता है, फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा चांसेस है उठा के डाल दे। मनीषा रानी को डाल सकते हैं, बेबिका को शायद सरदर्द की वजह से ना डाले। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।